वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम लोग इस चैनल पे क्लास 6 से लेकर 10 तक के मैथमेटिक्स के क्लासेस चलाने वाले हैं, तो उसी कड़ी में आज हम लोग क्लास 7 का फर्स्ट क्लास यहाँ शुरू कर रहे हैं। और इसी तरह रेगुलरली वीडियोज हर एक टॉपिक का क्लास 7 के कंटिन्यूसली अपलोड होता रहेगा। और अगर आप लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज पहला 7th का जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करते हैं। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स, तो हम लोग इंटीजर से ही शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग क्लास 6 में ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, जैसे कि होल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। नेगेटिव नंबर्स मतलब -1, -2, -3, क्योंकि 6 तक की बात हो रही है तो हम लोग फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद आप आगे जो है इस चैप्टर में हम लोग इंटीजर्स में क्लास 7 में क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके डिफरेंस जो है होल नंबर्स और इंटीजर्स के बीच उसको जानेंगे, और इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स उसके बारे में जानेंगे, और इंटीजर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और इंटीजर्स पे ऑपरेशंस करना सीखेंगे, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सब सीखेंगे इंटीजर्स के ऊपर ऑपरेशंस करना। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम लोग जानते हैं 6 तक हमने थोड़ा सा पढ़ा है इंटीजर्स के बारे में, लेकिन अभी फिर से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटीजर्स जो आपके 7th क्लास के बुक एनसीईआरटी में दिया गया है उसका डिफिनेशन वो इस तरह है कि इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। मतलब इंटीजर जो है वो होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है। मतलब होल नंबर्स आप लोग जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये हो गया होल नंबर्स। और नेगेटिव नंबर्स जैसे -1, -2, -3, -4 ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, तो इसका कलेक्शन हो जाता है इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, होल नंबर्स हुआ आपका 0, 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा, और नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3 और ये भी इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा। तो ये हुआ आपके क्लास 7 में इंटीजर्स का डिफिनेशन। लेकिन दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम लोग समझते हैं कि इंटीजर्स क्या है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी सारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन? जैसे 1, 2, 3, 4 और ये इन्फिनिटी तक, ये सारा क्या है? नेचुरल नंबर। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 0, इसमें 0 को भी मिला दीजिए, और नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी नेचुरल नंबर ये सारा था, इसका नेगेटिव्स क्या होगा? तो इसका नेगेटिव्स हो जाएगा 1 का -1, 2 का -2, 3 का -3 और इस तरह से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सारा कलेक्शन कहलाएगा इंटीजर्स। एक बार डिफिनेशन फिर से दोहरा देता हूं मैं, ताकि आप लोग दूसरा डिफिनेशन भी जान जाए। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। तो ये सारा कलेक्शन इंटीजर कहलाता है।